यूपी बीजेपी में आने वाली है तगड़ी सुनामी। टकरा रहे हैं सियासत के दो बड़े दिग्गज, खुलकर हो गया जंग का ऐलान। तो प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा। लोकसभा चुनाव में होने वाला है बड़ा घमासान। यूपी की सियासत में बड़ा बवंडर आने वाला है, ऐसा बवंडर जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, यूपी बीजेपी में ऐसी सुनामी आने वाली है जिससे बीजेपी की चूले हिल जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, बताएंगे आपको तफसील से, पूरी कहानी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने जातिगत जनगणना को लेकर जो बयान दिया है उससे आपको रूबरू कराएंगे। तो प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा। केशव प्रसाद के इस बयान से साफ हो गया है कि अब यूपी बीजेपी जल्द ही द्वंद युद्ध से घिरने वाली है, जिसकी बिसात केशव प्रसाद मौर्य ने बिछानी शुरू कर दी है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर डिप्टी सीएम किसके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और क्यों, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसे इस सियासी शतरंज की एक चाल बताया जा रहा है। वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए, लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते, और आप सत्ता में होते, हम यहाँ नहीं होते, आप यहाँ पर होते। तो सुना आपने, जिस जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है, उसी जातिगत जनगणना के पक्ष में केशव प्रसाद ने बयान दे दिया। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इस बयान के जरिए केशव प्रसाद किसे और क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने सूबे के आला अधिकारियों के साथ मंथन किया था, यानी कि बैठक की थी। ये कोई ऐसी वैसी बैठक नहीं थी, इस बैठक में सूबे के प्रमुख सचिव गृह डीजीपी विजय कुमार, डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार समेत कई बड़े आला अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो अधिकारी केवल सीएम की बैठक में मौजूद रहते थे, वो डिप्टी सीएम की बैठक में आखिर कैसे पहुंच गए? आखिर बीजेपी में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है? आखिर केशव प्रसाद क्या दिखाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी में काफी वक्त से सीएम की कुर्सी को लेकर केशव प्रसाद और सीएम योगी के बीच शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि केशव प्रसाद इस बात से साफ तौर पर इनकार करते आए हैं, लेकिन उनकी सियासी चाल इसी ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है। योगी जी जैसा एक मजबूत और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो तो उप मुख्यमंत्री के लिए कहीं न कहीं अपनी पहचान बनाए रखना और अपने प्रभाव को और अपने कंट्रोल को बनाए रखना, ये एक बड़ा चैलेंज है। राजनीति है, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात को कहना पड़ा, चूंकि वो पिछले वर्ग से आते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी ये भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य से कह के कहलवाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि आखिर यूपी बीजेपी में क्या बवंडर आने वाला है, कौन सा समीकरण बदलने वाला है, क्या केशव प्रसाद ने खुलकर जंग का ऐलान कर दिया है, क्या केशव प्रसाद खुद को सीएम का चेहरा बता रहे हैं। बीजेपी में चल रही इस सियासी उठापटक पर विपक्ष भी मजे ले रहा है, बीजेपी पर तंज कसे जा रहे हैं, यहाँ तक कि केशव प्रसाद को खुले ऑफर दिए जा रहे हैं। चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछले वर्ग के जितने भी जितने भी हैं वो जातीय गणना के लिए मना करें, नहीं करा पाएंगे। तो हमेशा मांग करी कि जाति जनगणना एक एक स्टेट वाइज ना हो, बल्कि पूरे देश स्तर पे भारत सरकार इसका संज्ञान लेकर के पूरे देश स्तर पे जाति जनगणना कराए, बसपा इसका समर्थन कर रही है। बसपा लगातार कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया कि सरकार क्यों भाग रही है जाति जनगणना।
और अब तो जब जब बिहार में जाति जनगणना स्टेट ने कर दी तो क्या दिक्कत सरकार। विपक्ष भले ही इस मामले को लेकर बीजेपी को घेर रहा हो लेकिन बीजेपी ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर रही है। केशव प्रसाद के बयान का गलत मतलब निकालने की बात कर रही है। बीजेपी कुछ भी कहे लेकिन सवाल ये उठता है कि अब तक जिस पार्टी के नेता जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष को घेर रहे थे और विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठा रहा था तो ऐसे में आखिर केशव प्रसाद ने खुलकर जातिगत जनगणना का समर्थन क्यों कर दिया। कैसे वो सूबे के आला अधिकारियों के साथ बैठक करने लगे। क्या इसके पीछे आला कमान का इशारा है। अगर हाँ तो ये इशारा आखिर क्या कहता है। आपको क्या लगता है केशव प्रसाद का बयान और उनकी आला अधिकारियों के साथ बैठक किस ओर इशारा कर रही है। क्या यूपी में सत्ता का चेहरा बदलने वाला है। अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट श्रेष्ठ यूपी।